हरे कृष्णा। कई बार लोगों का ये प्रश्न रहता है कि भगवान की मूर्ति को भोजन चढ़ाने पर वो प्रसाद कैसे बन जाता है। तो सबसे पहले इस सत्य को जाने कि भगवान के श्री विग्रह उनका ही एक अवतार है, इस जगत में अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने के लिए, और इसीलिए श्री विग्रह को भोग लगाना स्वयं भगवान को ही भोग लगाने के समान है। इसे ऐसे समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस अधिकारी लाल रंग के पोस्ट बॉक्स को जगह जगह पत्र डालने के लिए रखते हैं, लगाते हैं, लेकिन यदि मैं एक डब्बे पर लाल रंग करके अपने घर के बाहर उसे टांग दूँ, लटका दूँ और अपने सारे पत्र, स्पीड पोस्ट, सारे कागज़ उसमें डाल दूँ, तो क्या वो सही जगह पर पहुँच जाएगा? नहीं। ठीक ऐसे ही शास्त्रों में श्री विग्रह को इस दुनिया में भगवान का प्रामाणिक प्रतिरूप कहा गया है, जिन्हें शास्त्रों में भगवान के रूप के अनुसार ही बनाया जाता है। वो जब हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो उनकी श्रद्धा से सेवा करते हैं, तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं और हमारे साथ प्रेमपूर्ण आदान प्रदान भी करते हैं। अब यदि कहीं कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई मूर्ति बनाता है, तो ये ठीक वैसे ही है कि कोई भी अपने घर के बाहर कोई लाल रंग का डब्बा टांग दे और उम्मीद करे कि उसके पत्र अपने आप सही ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। जैसे एक पोस्ट ऑफिस दो तरफा कार्य करता है, ये न केवल हमारे पत्रों को सही जगह पर पहुंचाता है बल्कि हमारे मित्रों, रिश्तेदारों और ज़रूरी कागजात को भी हम तक लाता है, पहुँचाता है। ऐसे ही भगवान के श्री विग्रह भी न केवल हमारी प्रेमपूर्ण भेंट व सेवा स्वीकारते हैं बल्कि अपनी करुणा और आशीर्वाद देकर हमसे आदान प्रदान भी करते हैं। अतः निष्कर्ष ये कि भगवान के श्री विग्रह हमारे द्वारा प्रेम से बनाए हुए भोजन को स्वीकार करते हैं व आशीर्वाद स्वरूप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस भोजन को प्रसाद बना देते हैं, जिसे ग्रहण करने व बांटने से सभी जन पवित्र व शुद्ध हो जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।